तो सुबह का टाइम है, यहाँ 8:30 बज रहा है और मुर्गियों को बाहर निकलना है। जो मुर्गी का केज खोलता है मुर्गी उसी को दौड़ा लेती है, तो आरिस खोलते एकदम भाग जाता है और छुप जाता है और मुर्गियाँ जो हैं आज़ाद हो गई हैं। ये जो हमारा मुर्गा है ये इतना शरारती है, ये देखिए अभी उस बर्ड के पीछे पड़ा है। पहले जो है हम लोग बिल्लियों से बचाया करते थे अपनी मुर्गियों को और मुर्गे को, लेकिन अब बचाने की कोई ज़रूरत नहीं, अब मुर्गा ही काफ़ी है सबके लिए। कोई बच्चा भी अगर साइड से गुज़रता है ना तो उसको दौड़ा लेता है, इतना ख़तरनाक मुर्गा है। इस वक्त धूप सेक रहा है और आज हम लोग जाने वाले हैं मुर्गियों की कुछ शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि हमारी मुर्गी जो है वो अंडा नहीं दे रही है। तो मैंने यूट्यूब के वीडियोस में देखा कि जो है अलग से अगर लकड़ी का बॉक्स लाएंगे भूसा उसा रख के अगर एक मुर्गी को अलग कर देंगे तो वो जो है अंडा देने लगेगी। और जो है इन लोगों का पानी का डिस्पेंसर भी जो है वो छोटा पड़ता है, तो बड़ा वाला लेना है अब, तो वही लेंगे। और यहाँ देखिए मेरे हस्बैंड यहाँ क्या कर रहे हैं, अपना फेवरेट टाइम पास लीजिए। जब हम लोग इंडिया गए थे अब की बार, तो जो है मेरे ससुर जी जो है वो कह रहे थे कि तुम्हारी ज़मीन बहुत अच्छी है दुबई में, तो तुम लोग जो है उसमें कुछ मेथी और गाजर और लहसुन ये डाल के देखो, एक्सपेरिमेंट करो कि होती है कि नहीं। तो मेरे हस्बैंड ने जो है वो मेथी भिगा के खूब अच्छी तरह ज़्यादा सब और उसको जो है डाल दी थी और इतनी ज़बरदस्त किस्म की मेथी हुई कि जो है मतलब बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। घर की खेती तो मतलब घर की होती है, अलग ही बात होती है। मार्केट से कितनी भी लेके आओ तो जो है वो खुशी नहीं मिलती है जितनी घर की मेथी, भले से एक हाथ भर के चुल्लू भरी क्यों ना हो बस, मगर घर की खेती की बात ही अलग होती है। तो ये देखिए मेरे हस्बैंड जो है वो तोड़ रहे थे ये मेथी, क्योंकि ये मुर्गियाँ जो हैं ये सब चढ़ चढ़ के उसको जो है एकदम बेकार कर देती हैं सब, इसीलिए जो है ये मेरे हस्बैंड कहते हैं अब तोड़ देते हैं इसको और खाने लायक तो एक टाइम हो ही जाएगी। तो ये देखिए ये है हमारी आज की फसल। ये मज़दूर जो है ये बहुत ही मेहनत करके इतनी मेथी को प्यार से उगाया है, तो आज मैं यही पका के खिलाऊंगी इनको। कितनी अच्छी लग रही है एकदम फ्रेश फ्रेश खड़ी खड़ी मेथी। मेरे पापा कहते थे कि प्लांट्स लोग से जो है बैठ के बात करना चाहिए, तो उससे उन लोग की ग्रोथ अच्छी होती है। तुम क्या कर रहे हो? ये है, ये है घर की खेती जो आज हम तुमको खिलाने वाले, मेथी। मेथी वही खाना है आज। बड़ा डाइटिंग कर रहे हो ना, इससे अच्छी डाइटिंग होगी। डाइटिंग नहीं कर रहे, कम खा रहे हैं। कम खा रहे हैं चीज और वो खा के बोल रहे हो कम खा रहे हैं। वेयर इज अफान? या अल्लाह अफान, तुमको और कोई जगह नहीं मिली बैठने की? देन लाइट ऑन कर। हाँ और कोई जगह नहीं मिली बैठने की? और ये देख लीजिए आज इनको भी, ये है हमारी श्रीलंकन मेड काम कर रही हैं। आर इज व्हाट आर यू डूइंग? और ये जो आप रील देख रहे हैं ये इंस्टाग्राम पे मैंने आज ही अपलोड की है, मुझे फॉलो करिएगा, आईडी है मरियम शाहिद कुरैशी। तो बस शाम में जो है हम लोग आ गए थे अपने मुर्गी का जो है घर लेने के लिए लकड़ी का। तो ये देखिए यहाँ तरह तरह का जो है अलग अलग तरह का घर मिल रहा है, और कबूतर का भी मिलता है और मुर्गी का भी है, रैबिट का घर है, और ये देखिए बर्ड्स का भी है यहाँ पे, और डॉग्स और कैट्स रखने के लिए भी मिलता है और उनके खिलौने और क्या क्या सब। अच्छा भाई वही वाला वो एक दे दीजिए भाई, वो एक घर ये वाला दे दीजिए।
आप भूसा उसा रखने के लिए दे दीजिए, उसकी भूसा डालते हैं ना, क्या डालते हैं इसमें? इसमें घास डालें। हाँ, कैसी घास है थोड़ा दिखाइए। यहाँ पे क्या है? ये तो सब कुत्ते बिल्ली का ना? अच्छा, ये वाला उसके अंदर डाल लो। हाँ, ये कितने का? 10 रुपये। हाँ भाई, आप तो सब ज्यादा ज्यादा बता रहे हैं ना। हम लोग ज्यादा नहीं बता रहे हैं, आप देखो ना। 5 दो ना 5, ये दो और 35 उसमें दो। अच्छा दे दो। हाँ, और एक पानी का डिस्पेंसर दे देना। और वो एक जो छोटा वाला है ना, बल्कि एक बड़ा वाला देना। हाँ, बड़ा ये इतना बड़ा वाला क्या होगा? नहीं, इतना बड़ा तो नहीं, उतनी जगह ही नहीं। हाँ, छोटा वाला, छोटा वाला वो जो लगाते हैं उसमें, जाली में लगाते हैं यार, लेकिन हाँ वैसे। हाँ, वो ऐसे लगाने वाला लंबा वाला आता है ना, वो लीजिए। इसे बढ़ा देगा तो उसके वजन बढ़ेगा। ये क्या प्राइस है इसकी? 10। अच्छा, वापसी में जो है हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना बाहर ही आज खाना खा लेते हैं। तो हम लोग बस आए थे यहाँ एक फूड कोर्ट, और वहाँ पे आज मैं हाजी अली खाने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा दिन हो गया था हाजी अली खाए हुए। तो जो लोग बॉम्बे में रहते हैं वो लोग जानते होंगे कि हाजी अली कितना ज़्यादा फेमस है। उसका ये पिज़्ज़ा, वेजिटेबल पिज़्ज़ा, और उसकी ये सैंडविच, दोनों ही बहुत ज़बरदस्त है। तो मेरे हस्बैंड ने जो है वो वेजिटेबल पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, और मैंने जो है सैंडविच ऑर्डर की थी। और इनकी सैंडविच भी एकदम वेज होती है, और बहुत ही ज़बरदस्त, एकदम स्पाइसी, एकदम टेस्ट रहता है। और टेस्ट बिल्कुल वही है जो हाजी अली का टेस्ट है ना, सेम टू सेम वही टेस्ट है ये। हम लोगों को जो है फूड कोर्ट ही आना पड़ता है, क्योंकि यहाँ सब लोगों की जो है चॉइस अलग अलग होती है। किसी को मैकडोनल्ड्स खाना होता है, किसी को जो है KFC खाना होता है। तो इसलिए हम लोग ज़्यादातर फूड कोर्ट में ही खाते हैं। और ये देखिए हाजी अली का फेमस हिट आइटम सीताफल क्रीम। सीताफल को जो है शरीफा भी बोलते हैं, तो शरीफे का गूदा इसके अंदर रहता है, क्रीम के अंदर, बीज निकाल के। इतना ज़बरदस्त अतंग, एकदम बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर इसका रहता है। ये अलग बात है कि इसको खा के 3-4 किलो वज़न फौरन ही आपका बढ़ जाएगा। ट्राई करिए। कैसा है? फलक, यू वांट टू ट्राई? ज़ाइम, यू वांट टू ट्राई? अफान, ओके, आरिस तो ट्राई करेगा। कैसा है आरिस? अच्छा है। क्या है? नहीं पता। और साथ में जो है मेरे हस्बैंड को फालूदा की भी क्रेविंग हो रही थी। कह रहे थे हाजी अली आए हैं तो हाजी अली स्पेशल फालूदा भी खा लेते हैं। तो कई फ्लेवर मिलते हैं यहाँ पे हाजी अली में फालूदा के, रोज़ फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, कुल्फ़ी फ्लेवर, फ्रूट फ्लेवर, मतलब अनलिमिटेड फ्लेवर्स मिलते हैं। तो आज हम लोगों ने बहुत दिनों बाद लिया है तो दोनों ही मीठा सोचे ट्राई कर देते हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का था ये भी, मतलब खाओ तो मुँह से छूट ही नहीं रहा था, इतना ज़बरदस्त था। और हम लोग दोनों ने ये फिनिश किया। बच्चे लोगों को तो आजकल का मीठा पसंद ही नहीं आता है ये सब, उन लोगों को तो अपना ही पता नहीं क्या क्या आइसक्रीम और क्या क्या चाहिए होता है। तो बस हम लोगों ने अपना खाना एंजॉय किया, और मुझे इजाज़त दीजिए। Don't forget to subscribe. Well, I said. Don't forget to subscribe. Bye bye.